कोविड वैक्सीनेशन में प्रदेश भर में हमीरपुर जिला प्रथम स्थान पर आ रहा है, जिसके चलते अब स्वास्थ्य विभाग ने और भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार जिला हमीरपुर में अब तक 1,94,609 कोविड वैक्सीनेशन की डोज लोगों को लगाई जा चुकी है, तो 80 से 85% फ्रंटलाइन वर्करों को भी ये टीकाकरण लग चुका है। CMO डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने खुशी जाहिर करते हुए जिला हमीरपुर के पहले नंबर पर रहने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को भी बधाई दी है। CMO अग्निहोत्री ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन में 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को भी 41,410 टीके लगाए जा चुके हैं, तो 24,549 लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि इस माह शुरू हुए 18 से 44 साल के टीकाकरण अभियान में भी 6,600 लोगों को 66 सत्रों में टीकाकरण का काम चला हुआ है। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीनेशन और कोविड व्यवहार ही कारगर साबित हो रहा है। शेड्यूल आपको ये माध्यम से बताना चाहूँगा कि वो 84 डेज वाला शेड्यूल आ गया, इसलिए कुछ लोग बहुत पूछ रहे हैं हमारे से कि हमारे 42 डेज हो गए, शुरू में 28 में लगा जब हमने टीका लगवाया, उसके बाद 42 हुआ, अब 84 डेज बाद वो शेड्यूल लगा, वो लग रहा है या कोई बच गए हैं लोग सीनियर सिटीजन का टीकाकरण चल रहा है वो, है ना, वो हमारे पास हम डेली जो है लिस्ट जो है भेजते हैं, मीडिया में भेजते हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ग्रुप है उसमें भी शेयर करते हैं। लगभग 25 से 30 सेशन जो हैं पूरे ज़िले में, जो इसके अलावा 18 से 24 टीकाकरण, उनमें लग रहा है डेली वो लग रहा है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमीरपुर ज़िला सभी लोगों के सहयोग से और इसको एक जन आंदोलन जो है वो बनाया गया हमीरपुर ज़िले में, और सभी ने बहुत मेहनत की, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, डर को दूर किया, मीडिया ने दूर किया, हेल्थ फंक्शन ने दूर किया, जो कि शुरू में एक डर था जब 16 जनवरी को पहला टीकाकरण लगा था, जिस दिन कि मैंने भी टीका लगवाया था उस दिन बहुत डर था, इवन हमारे हेल्थ के लोगों में भी डर था, और उस दिन 8-9 टीके लग रहे थे प्रतिदिन। और आज आप देखें कि हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर ज़िला जो है वो पहले स्थान पर आ रहा है, और हिमाचल जो है वो इंडिया में पहले स्थान पर है, तो आपको ये गर्व का इशू हुआ है कि आपका हमीरपुर ज़िला जो है पहले स्थान पर रहा है। इसमें 1,94,609 टीके अभी तक हम फर्स्ट डोज के लगा चुके हैं, और हमारा जो हेल्थ वर्कर जिनको सबसे पहले लगे उसमें भी सेकंड डोज जो है लगभग 80 से 85% लोगों को आपकी सेकंड डोज भी लग चुकी है, क्योंकि उनको सबसे पहले टीकाकरण हुआ है, जनवरी फरवरी में उनका टीकाकरण हुआ है, तो उनको तो सेकेंड डोज भी काफ़ी लोगों को लग चुकी है। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण जो हमारा वर्ग था वो था 60+ वाला, उसमें भी हमारे 41,410 टीके हम कल तक लगवा चुके हैं, और इसमें से 24,549 लोगों को दूसरी डोज भी लग चुकी है, यानी कि हमारा जो 60+ ईयर का जो वरिष्ठ लोग हैं वो भी लगभग काफ़ी लोग जो है वो प्रोटेक्टेड हमारे हो गए हैं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण जो इस महीने जो शुरू हुआ है वो आपका 18 से 44 वर्ष का जो वर्ग था उसका वैक्सीनेशन शुरू हुआ, उसमें हमीरपुर ज़िला को 6,600 डोजेज मिली, जिसमें हमने 66 सेशन जो है प्लान किए हैं। अब अगला सेशन जो हमारा वो 24, उसके बाद हमारा 27, लास्ट 31 को होगा इस महीने, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें भी हम जैसे जैसे जितनी जितनी वैक्सीन हमारी लग जाती है उसमें भी हम प्रथम स्थान रहने की कोशिश करेंगे, और लोगों का सहयोग जो वैक्सीनेशन के लिए मिलता रहेगा, क्योंकि कोविड बीमारी की बात करें तो इसके लिए सिर्फ दो ही तरीके कारगर हैं, एक तो आपका वैक्सीनेशन और दूसरा कोविड रिलेटेड बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, ये चीज़ें आती हैं।